ज्यादातर छात्र उन शिक्षकों को अपना आदर्श मानते हैं जिनमें ये गुण और आदतें पाई जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं वो कौन से आदत और गुण हैं जो एक शिक्षक को आदर्श शिक्षक बनाते हैं, यानी आइडल बनाते हैं। एक आदर्श शिक्षक का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, ये हर एक शिक्षक को जानना ज़रूरी है और जो महत्वपूर्ण भी है, या फिर वो शिक्षक हो या अशिक्षिका हो। चलिए आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कि आदर्श शिक्षक का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है शिक्षक का पहनावा। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है शिक्षक या शिक्षिका का, वो है पहनावा। यानी शिक्षक का पहनावा किस तरह होना चाहिए, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक का जो पहनावा है वो फॉर्मल ड्रेस यानी ऑक्सफोर्ड ड्रेसिंग सेंस ही यूज करना चाहिए। शिक्षक को एक शिक्षक होने के नाते याद रखें, एक शिक्षक के जूते से लेकर बेल्ट तक को ऑक्सफोर्ड ही होना चाहिए, और उनके शर्ट को टकिंग यानी जिन्हें हम इंसर्ट कहते हैं वो हमेशा होना चाहिए। अगर हम बात करें एक शिक्षिका की, यदि आप एक शिक्षिका हैं तो आपका पहनावा साड़ी या फिर सूट होना चाहिए। अगला है चेहरे पे मुस्कुराहट। एक शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते जब भी आप क्लास पे जाएं, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो बच्चों के चेहरे में भी मुस्कुराहट लाती है। आपका नकारात्मक व्यवहार, आपका नकारात्मक रुख जो है वो बच्चों में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए एक शिक्षक को चेहरे पे मुस्कुराहट को सदा बरकरार रखना चाहिए। दूसरा है छात्रों के साथ बात करने का लहजा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक छात्र के साथ गुस्से से या फिर ईर्ष्यालु स्वभाव से बात नहीं कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि आप बच्चों के साथ सहज ढंग से पेश आएं, ताकि बच्चा भी आपसे सहज ढंग से पेश आए। हो सकता है बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हों आपसे पूछने को, लेकिन आपके स्वभाव की वजह से वह आपसे नहीं पूछ पा रहा है। इसलिए एक बच्चे के साथ, एक छात्र के साथ, एक स्टूडेंट के साथ आपका बात करने का लहजा बहुत ही सरल और सरस होना चाहिए, यानी आपका स्वभाव विनम्र होना चाहिए। और अगला है छात्रों को कभी भी अपमानित ना करें। एक आदर्श शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण होता है कि कभी भी अपने छात्रों को आप किसी भी वक्त कहीं भी अपमानित ना करें। कोई छात्र पढ़ने में अच्छा होता है, कोई छात्र उससे कम, तो कभी भी छात्रों को कंपेयर ना करें, एक दूसरे से तुलना ना करें। और अगर एक छात्र अपनी तुलना किसी दूसरे छात्र से कर रहा है तो उसे आप समझाएं, ये आपका कर्तव्य होता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपके अपमानित करने से उस छात्र के मन में आपके लिए कोई भी स्थान ना रहे, या फिर वह आपके सब्जेक्ट से ही घृणा करने लगे। तो आप छात्र को कभी भी अपमानित ना करें, बल्कि आप उसका एक आदर्श शिक्षक बनने की कोशिश करें। बच्चे को अपमानित करना, बात बात पे डांटना, ये आदर्श शिक्षक के गुण नहीं बल्कि अवगुण हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें आप। छात्रों को हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक की महत्वपूर्ण निशानी होती है और महत्वपूर्ण कर्तव्य भी होता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं क्लास में बच्चे जो हम होमवर्क देते हैं वो करके नहीं लाते हैं, और हम उन्हें सभी बच्चों के सामने डांटते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। ऐसा हमें हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के मन में हीन भावना उत्पन्न होती है, वो दूसरे बच्चों से अपने आप को अलग समझने लगते हैं। हम छात्र को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? इन शब्दों के साथ, यू कैन डू इट, ट्राई इट, आप इसे कर सकते हो, एक बार कोशिश करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग हर एक टीचर को करना चाहिए। इससे छात्र में आत्मविश्वास जागता है और आगे बढ़ने की जो ललक इच्छा होती है वो जागृत होती है। एक सच्चा दोस्त। आदर्श शिक्षक की एक विशेषता होती है सच्चे दोस्त की।
एक शिक्षक को अपने छात्र का एक सच्चा और प्रिय दोस्त बनना चाहिए। जब एक शिक्षक अपने छात्र का एक सच्चा दोस्त बनेगा तो छात्र भी आपको समझेंगे, अपनी हर प्रॉब्लम को आपसे शेयर करेंगे, और जो बहुत ज़रूरी है कि एक छात्र की जो प्रॉब्लम्स है वो आप जानें और उसे सॉल्व करें। आदर्श शिक्षक बनने के लिए एक अच्छा दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। होमवर्क देते समय बरतें सावधानियाँ एक आदर्श शिक्षक की ये विशेषता होती है, क्योंकि सभी बच्चे की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। इसलिए जो आप होमवर्क गृह कार्य देते हैं वो बच्चे के हिसाब से देना चाहिए। आपने होमवर्क तो बहुत दे दिया लेकिन बच्चा घर से करके नहीं लाया, ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि जितना आपने होमवर्क दिया है वो सब करके लाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चे की क्षमता को समझें और उसके हिसाब से उसको होमवर्क दें। बच्चे में तनाव और टेंशन ना आए, इसलिए एक आदर्श शिक्षक बनते समय ये आपको सावधानियाँ रखनी होंगी। एक टीचर को, एक शिक्षक को समय का पाबंद होना चाहिए, जो कि एक आदर्श शिक्षक बनने की विशेषता है। एक टीचर को अपने स्कूल, अपने क्लास पे बिल्कुल सही और पंक्चुअल टाइम पे पहुंचना चाहिए, और ऐसा करके ही आप एक छात्र, एक स्टूडेंट के आदर्श बन सकते हैं। तो समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है हर एक टीचर को, हर एक शिक्षक को। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश थी कि एक आदर्श शिक्षक के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं आपको बताई जाए। यदि आप में कोई कमी है आदर्श शिक्षक बनने की तो उसे भी आप पूरा कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।